हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही सेहतमंद, टेस्टी, बिना चाशनी, बिना मावा, बिना देसी घी के ये लड्डू, जो कि आप देख के बता नहीं सकते कि बिना घी के बने होंगे। देखने से लग रहा ना कितने लजीज, बिल्कुल रॉयल शाही अंदाज वाले लड्डू। देखिए, इसे कोई कह सकता है कि बिना घी के बना है? तो चलिए, हम इस डिलीशियस से और हेल्दी लड्डू को बनाते हैं, बिल्कुल केवल 3 सामानों से, जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। और इसे आप कम से कम 10 से 15 दिन तक रख के खा सकते हैं। और देखिए हमारे लड्डू कितना डिलीशियस बना है। चलिए इसे बनाते हैं। रेसिपी अगर पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे हमने बेसन ले लिया है, 4 से 5 चम्मच बेसन है और 2 चम्मच सूजी है। ये सूजी और बेसन का लड्डू है। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें हमने कोई भी घी भी नहीं डाला है, इसे हमें इसी तरह से भूनना है। शुरुआत में हम तेज़ आंच में इसे भूनेंगे। फिर जैसे हमारा कढ़ाई गर्म हो जाएगा और लगेगा कि अभी बेसन भूनने वाला है, तो हम इसे फिर स्लो मीडियम पे कर देंगे और लगातार चलाते हुए भून लेंगे। देखिए, हमारा बेसन अब भून चुका है, बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो अब आधा से ज़्यादा बेसन जब हमारा भून जाएगा, तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ताजी मलाई। जी हाँ, इसमें हम मलाई का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी घी और चाशनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने किशमिश, काजू, बादाम और नारियल का बुरादा ले लिया है। इसे हम बीच में थोड़ा सा आटे में जगह बना के डालेंगे, ताकि ये भून जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मलाई, ये घर की फ्रेश मलाई है। इस मलाई को डालने के बाद हमें इसको अच्छे से भुनना है, क्योंकि हमारा बेसन पहले से भुन चुका है बहुत ज़्यादा, तो मलाई डालने पर इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बहुत जो थोड़ा बहुत इसमें बाकी होगा वो अच्छे से भून जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसमें हम 2 चम्मच मलाई और डालेंगे। और देखिए, ये हमारा बहुत अच्छा सा मिश्रण तैयार हो गया है। इसे हमें 1 से 2 मिनट और भुनना है। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत जल्दी बन जाता है, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी झंझट के। ना इसमें चाशनी की ज़रूरत है और ना ही घी की, अगर आपके पास घी नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें लड्डू बनाने में बहुत घी की। सब देखिए, बैटर हमारा कितना अच्छा से बन गया है। और भी हमारा बैटर अच्छे से भून चुका है। हमें इसे गैस बंद कर देना है और नीचे उतार के ठंडा कर लेना है। देखिए, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हल्का हल्का गर्म है, ये पूरा ठंडा नहीं करना है। और अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी। मैंने चीनी को दरदरा ही पीस लिया है, ताकि ये तगाड़ का काम करे। और इसमें हम डाल लेंगे कम से कम 3 से 4 चम्मच चीनी पीसी हुई, अपने स्वाद के अनुसार। और इसमें हम मिला लेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे हम लड्डू बनाएंगे। देखिए, इसे हाथ से ऐसे ऐसे मैश करने पे ये अपना घी छोड़ेगा और लड्डू बन जाएगा। बाई चांस अगर आपका बैटर थोड़ा सूखा है, तो आप आधा चम्मच घी डाल सकते हैं। देखिए, अभी हमारे लड्डू अच्छे से बन रहे हैं और मज़े से ये घी भी छोड़ रहा है। जैसे जैसे मैंने पूरा आधा लड्डू बना, मेरा हाथ पूरा घी से सन गया था, क्योंकि इसमें पूरी मलाई है जो बाद में गर्म होने के बाद घी का काम करती है।